हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, और आप लोग जुड़े हुए हैं इस समय जीएस की क्लास में। तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग सेशन को भैया शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और फटाफट से चैनल को बच्चे सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, हम लोग यहाँ पर बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग बच्चे सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बेहतरीन तरीके से, शानदार जानदार सेशन की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण आपके लिए न्यूज़ है। वो न्यूज़ क्या है कि आपके सारे एग्ज़ाम्स लाइनअप हैं और हर एक एग्ज़ाम आपका होने वाला है। ऐसा मत सोचना यार कि कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, हर एक एग्ज़ाम होने वाला है। तो अनअकैडमी लर्नर ऐप पर ज़रूर जुड़िए, और अगर प्लस कोर्स नहीं लिया प्लस कोर्स भी लीजिए आप लोग। और अनअकैडमी लर्नर ऐप पर अगर कोई डाउट आपको होता है या कोई आपके पास में क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप लोग अनअकैडमी लर्नर ऐप पर आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी फीचर पर उस क्वेश्चन की इमेज बना करके सेंड करेंगे, उसका आंसर आपको इंस्टेंट ज़रूर मिलेगा। रेज हैंड ड्यूरिंग द सेशन ऑन अनअकैडमी लर्नर ऐप। आप लोगों को क्या करना है, अगर अपने फेवरेट एजुकेटर से बात करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हो। या फेवरेट एजुकेटर से अगर आप बात करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लोग ज़रूर जुड़ सकते हैं, और इससे आप लोग अपने डाउट भी वहाँ पर सीधे पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एसएससी कॉम्बैट आपका एवरी संडे होता है 12 बजे, और जिसमें शानदार जानदार प्राइज जीतने का मौका होता है। आपको पहले इनरोलमेंट करने की आवश्यकता है। पहले इनरोलमेंट करने के लिए ABSIR 10 कोड लगाइए और फटाफट आप सभी लोग भैया इनरोलमेंट कर लोगे। फ्री में एकदम इनरोलमेंट है, और यहाँ से आप लोग बढ़िया तरीके से हर एक संडे को 12 बजे 40 क्वेश्चन 50 मिनट में आंसर करके और बढ़िया से प्राइस जीत सकते हैं। हर एक कोर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए अनअकैडमी पर आप लोगों को एक कोड का प्रयोग करना है, और वो कोड क्या है बच्चे, ABSIR 10। इससे आप लोगों को निश्चित रूप से यहाँ पर डिस्काउंट ज़रूर मिलता है। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इस बात को सारे लोग जानते हैं। चलिए पहला सवाल आपके सामने हम लोग रखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो GSGK by आलोक सर, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। आप सारे लोग टेलीग्राम में सर्च करके वहाँ पर जुड़ सकते हो। हर एक क्लास का PDF भी आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए पहला सवाल है आपके सामने। निम्नलिखित गैसों में से किसके रिसाव के कारण भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी। हम लोग जानते हैं एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक गैस का रिसाव हुआ और इसके कारण बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। उस समय मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था अर्जुन सिंह, और जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था राजीव गांधी जी। और इस गैस का रासायनिक सूत्र होता है भाई C2H3NO, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड कहलाती है। ये जो KMNO4 है इसको हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, और इसको लाल दवा के नाम से जानते हैं। इसको बच्चे हम लोग लाल दवा के नाम से जानते हैं, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अमोनियम क्लोराइड हम लोग कहते हैं भाई NH4Cl हो गया भाई, ठीक है, याद रहेगा, नौसादर जिसको बोलते हैं। अगला सवाल है, कौन सा राज्य नेपाल और भूटान दोनों के साथ में एक सीमा साझा करता है। विच ऑफ दीज स्टेट शेयर्स अ बाउंड्री विद बोथ नेपाल एंड भूटान। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पर अगर मेरे कोड आपको याद हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर देना है, बिल्कुल कर देना है। देखो भाई, नेपाल की सीमा से लगने वाले राज्यों का मैंने कोड बताया है सुब्बू, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल, बिहार। और भूटान से लगने वाले राज्यों का कोड है भाई साब, सिक्किम, असम, अरुणाचल, बंगाल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कौन सा राज्य दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर कोई दिख रहा है भाई, बंगाल यहाँ भी है और बंगाल यहाँ भी है। तो प्रश्न का उत्तर भैया क्या हो गया, बंगाल कॉमन है, जो कि आपका नेपाल और भूटान दोनों देशों से स्पर्श करता है। ये आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पृथ्वी के दोनों ओर के ग्रह कौन से हैं, फटाफट आंसर कीजिए भैया। पृथ्वी के दोनों ओर के ग्रह बच्चे कौन से हैं, क्या सही आंसर होना चाहिए, पृथ्वी के दोनों ओर के ग्रह कौन से हैं, सही उत्तर क्या होगा इसका। देखो भैया, पृथ्वी के दोनों ओर के ग्रहों की अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो पृथ्वी के दोनों ओर के ग्रह बच्चे मंगल और शुक्र हैं। कौन से हैं, मंगल और शुक्र। टोटल ग्रह कितने हैं, अब 8 हैं।
जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है अगर पूछा जाएगा तो आप कह सकते हो सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा अगर पूछा जाएगा तो सबसे छोटा मर्क्यूरी हम लोग बुध को कहते हैं, सबसे अधिक अगर सैटेलाइट्स पूछे जाते हैं तो सैटर्न शनि के, नासा ने 82 सैटेलाइट्स बताए हैं भाई इसके, ठीक है। अब अगर पूछा जाएगा लाल ग्रह तो आपका आंसर हो जाएगा मंगल, अगर पूछा जाएगा भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार शुक्र है, इवनिंग स्टार शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह भी आपका शुक्र है, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आते हैं भैया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में उत्सर्जन अंगों के रूप में मौजूद नहीं है, फटाफट आंसर करोगे भैया, मानव में उत्सर्जन अंगों के रूप में कौन सा मौजूद नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ एक बार तेजी से भैया शेयर जरूर किया करो यार सेशन को, फटाफट से आप सभी लोग भैया सेशन को शेयर कर देंगे अधिक से अधिक, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, तेजी से आप लोग आंसर करोगे इस प्रश्न का, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग तेजी से इसका आंसर कर दीजिए भैया फास्ट। देखो बड़ा बेहतरीन सवाल है, उत्सर्जन अंगों में अगर हम देखें तो यहाँ पर तंत्रिका नर्व्स हमको उत्सर्जन अंग नहीं है, किडनी है, लीवर है, लंग्स है, और लीवर जो है वो मानव शरीर की हम लोग जानते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि है, किडनी जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है, याद होना चाहिए भाई। अगला सवाल है क्या कहलाती है, किडनी, लीवर, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, किडनी नहीं बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भूटान का नेशनल गेम्स क्या है, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ भूटान, भूटान का प्यारे विद्यार्थियों नेशनल गेम कौन सा है, एक बार तेजी से आप लोग आंसर करोगे भैया फास्ट, जितने लोग जुड़े हुए हो एक बार तेजी से भूटान का नेशनल गेम बताओगे क्या होगा भैया, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है भाई, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आप लोग तेजी से आंसर करोगे इसका। देखो भाई बढ़िया सवाल है और बढ़िया से आंसर भी आपका आएगा। भूटान का जो नेशनल गेम है, जो राष्ट्रीय खेल है, वो आपका राष्ट्रीय खेल कहलाता है आर्चरी, आर्चरी मतलब तीरंदाजी, तो क्रिकेट तो है नहीं भाई, आइस हॉकी कनाडा का है, हॉकी इंडिया का हो जाता है, याद रहेगा। अब नेपाल का अगर कभी पूछा जाएगा या श्रीलंका का पूछ दिया जाए तो इन दोनों का भैया जरूर याद कर लेना, और इनका हो जाता है वॉलीबॉल, इनका हो जाता है भैया वॉलीबॉल, ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। क्रिकेट के पिता अगर कभी पूछा जाएगा कौन है, तो विश्व में क्रिकेट के पिता डब्ल्यू जी ग्रेस को कहा जाता है, भारत में क्रिकेट के पिता पूछे जाएंगे तो रणजीत सिंह, रणजीत सिंह क्रिकेट के पिता इंडिया में हैं, और वर्ल्ड में डब्ल्यू जी ग्रेस को क्रिकेट का पिता कहा जाता है। अगला सवाल है, मेरियाना ट्रेंच एंड सुंडा ट्रेंच इज सिचुएटेड एट, कहाँ पर भैया दोनों ये स्थित हैं, एक बार तेजी से आंसर कीजिए आप लोग, फास्ट आंसर करोगे भाई, मेरियाना ट्रेंच एंड सुंडा ट्रेंच दोनों कहाँ पर स्थित हैं, सही उत्तर क्या होगा भैया। देखो बच्चे बड़ा बेहतरीन सा सवाल है यार, और मस्त तरीके से आप लोग आंसर करोगे। मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरी ट्रेंच है, डीपेस्ट ट्रेंच है, 11,034 मीटर हम लोग जानते हैं इसकी गहराई है, और ये आपकी सबसे गहरी है, ये प्रशांत महासागर में है, और सुंडा आपकी ये इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर में है। अब कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं, बरमुडा ट्रायंगल अगर पूछा जाएगा तो आप कह सकते हो अटलांटिक ओशियन में है, 90 डिग्री ईस्ट रीज पूछा जाएगा तो 90 डिग्री ईस्ट रीज आपका इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर में है, ठीक है भाई। अगला सवाल है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती कौन सी संस्था थी, ईस्ट एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन या इंडियन लीग, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, फटाफट रिप्लाई करिए भाई कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में सारे विद्यार्थी रिप्लाई करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती संस्था थी वो पूर्ववर्ती संस्था है इंडियन एसोसिएशन, क्या है, इंडियन एसोसिएशन आपकी पूर्ववर्ती संस्था है। कांग्रेस जो है ये शब्द कहाँ से लिया गया है, ये शब्द बच्चे अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, और इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ पीपल्स का मतलब हो गया लोगों का समूह, इसका मतलब लोगों का समूह होता है। आगे बढ़ते हैं, विच सिटी इज फॉर्मली कॉल्ड ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट किस सिटी को कहा जाता है, इस प्रश्न का आप लोग आंसर करोगे भैया फास्ट, जितने लोग जुड़े हुए हैं यार तेजी से शेयर करो भाई, इतने शानदार जानदार आप लोगों के लिए प्रश्न है, तो आप लोग शेयर किया करो अधिक से अधिक, फटाफट शेयर कीजिए आंसर कीजिए।
तेजी से शेयर करोगे भैया, आंसर करोगे पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है। तो पूर्व का ऑक्सफोर्ड हम लोग बच्चे पुणे को कहते हैं, पुणे मुला और मुठा नदियों के बीच में है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे, कलकत्ता हुगली नदी के किनारे, मुंबई के संस्थापक गेराल्ड उंगियार कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर, मुंबई में है, ठीक है भाई। यरबदा जेल कहाँ पर है, तो पुणे में है। प्याज के उत्पादन के लिए कौन जाना जाता है, तो नासिक जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे दोनों अवार्ड कब किस ईयर में दिए गए, फटाफट बताओगे भाई। जयप्रकाश नारायण जिनको हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं, लोकनायक के नाम से जानते हैं, संपूर्ण क्रांति का संबंध भी इनसे है। इनको भारत रत्न 1999 में दिया गया है और मैग्सेसे 1965 में। अगर यहाँ पर 99 दिया गया होता तो ज़्यादा करेक्ट होता, ठीक है, लेकिन 98-99 भी आप लगा सकते हो। 1965 में मैग्सेसे फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है और मैग्सेसे को हम लोग नोबेल ऑफ एशिया बोलते हैं, यानी कि एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। 1991 में तीन लोगों को भारत रत्न मिला था, सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी और भारत के पहले गृहमंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल को भी भारत रत्न दिया गया था। 1990 में भी दो फेमस पर्सनालिटीज को मिला है, डॉक्टर नेल्सन मंडेला को और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 1962 में हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो अहेड वी आर फॉर इंडिया एंड इंडिया इज फॉर इंडियंस, द स्लोगन वाज गिवन बाय, ये स्लोगन बच्चे किसके द्वारा दिया गया कि आगे बढ़ो हम भारत के लिए हैं और भारत भारतीयों के लिए है, ऐसा स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था। एक बार तेजी से आप लोग आंसर करोगे भैया, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए, ऐसा स्लोगन किसके द्वारा दिया गया, कमला नेहरू, भीकाजी कामा या एनी बेसेंट या सरोजिनी नायडू, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए भाई। देखो, आगे बढ़ो हम भारतीयों के लिए हैं, हम भारत के लिए हैं और भारत भारतीयों के लिए है, ऐसा स्लोगन देने वाले थे भीकाजी कामा। भीकाजी कामा वही हैं जिन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में तिरंगा झंडा फहराया था। एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, जिन्होंने 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता में की। सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ये 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष रहती हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, टर्म यज्ञ फ्रीक्वेंटली मेंशनड इन ऋग्वेदा स्टैंड्स फॉर, यानी कि ऋग्वेद में ये जो यज्ञ का अर्थ किया गया है ये किसके संदर्भ में, राइस बीन्स बार्ले या वीट। देखो भाई, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो यार, फटाफट शेयर किया करो सेशन को, जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए भाई, जितने लोग जुड़े हुए हैं तभी आनंद आएगा। फटाफट शेयर करो, लाइक करो, सेशन को शेयर और लाइक करते जाना है। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में जो यव शब्द दिया गया है वो भैया यव का मतलब क्या हो गया यार, जौ हो गया, जौ हो गया। अब ऋग्वेदिक काल के मतलब हो गया यार आपका, हम लोग जानते हैं एक उत्तर वैदिक काल है, एक ऋग्वैदिक काल है। पूरे का अगर समय पूछा जाएगा वैदिक काल का, तो हम लोग कह देते हैं 1500 से 600, बांट देते हैं सबसे पहले ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल, दोनों अलग अलग भागों में हम लोग इसको बांट देते हैं। अगला सवाल है, हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश एट द टाइम ऑफ भोपाल गैस ट्रेजिडी। अभी हमने आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान बताया कि भाई चीफ मिनिस्टर कौन थे जब मिथाइल आइसोसाइनाइड का भोपाल में रिसाव हुआ, लीकेज हुआ। इन दैट टाइम अर्जुन सिंह वाज चीफ मिनिस्टर एंड मिस्टर राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, फॉर्मर प्रेसिडेंट वराहा वेंकट गिरी वाज कॉन्फ्रेंट विद द भारत रत्न, कब सम्मानित किया गया वराहा वेंकट गिरी साहब को भारत रत्न से, तो इसका आंसर क्या होगा। देखो भैया, वराहा वेंकट गिरी साहब को जो भारत रत्न दिया गया वो 1975 में दिया गया। 1991 में तीन लोगों को मिला है, मैंने अभी बताया, 62 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, 90 में हमने बताया नेल्सन मंडेला एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इट मींस AIDMK, इट मींस AIDMK, इसके संस्थापक कौन थे, ई मधुसूदन, एम जी रामचंद्रन, सी एन अन्ना दुरई या एम करुणानिधि, क्या करेक्ट आंसर होगा भाई। देखिए, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कणगम ये स्थापित किया था एम जी रामचंद्रन ने। किसने स्थापित किया,
एमजी रामचंद्रन ने स्थापित किया था। रिसेंटली विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट दीनदयाल उपाध्याय या दीनदयाल कमेटीज, किसने भैया दीनदयाल कमेटीज को गठित करने का निर्णय लिया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या केरला? क्या सही आंसर होगा? फटाफट से आंसर करोगे जितने लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तेजी से यार आप लोग आंसर कीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो दीनदयाल कमेटीज का जो गठन किया गया है वो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हर एक चीज में बड़ा आगे रहा है। मध्य प्रदेश की अगर कभी भी बात करते हैं तो कहते हैं भाई रोको टोको अभियान आ गया, किल कोरोना अभियान आ गया, इंतजार आपका अभियान आ गया, FIR आपके द्वार आ गया, सारी की सारी चीजें मध्य प्रदेश ले जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में पूछेंगे तो हम लोग जानते हैं भाई जनसंख्या में नंबर वन है, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, विधान परिषद सीट, इन सब में नंबर वन। CISF की तर्ज पर यहाँ भी औद्योगिक सुरक्षा बल बनाने की घोषणा कर दी गई। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर दी गई है? देयर इज अ सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, कहाँ पर यह व्यवस्था दी गई है? आप लोग तेजी से एक बार आंसर कीजिए भैया फास्ट। देखो यार महिलाओं के आरक्षण की जो व्यवस्था दी गई है, लोकसभा में कोई भी फीमेल रिजर्वेशन नहीं है, राज्यसभा में भी भैया कोई भी फीमेल रिजर्वेशन आपका नहीं है, पंचायत में फीमेल रिजर्वेशन है आपका, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत में महिलाओं का कहा गया 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, तो बहुत बेहतरीन आपका क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीपांकर दत्ता जो हाल ही में मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी, कहाँ के भाई मुख्य न्यायाधीश बने हैं दीपांकर दत्ता साहब? फटाफट आंसर कर दोगे भैया जितने लोग जुड़े हुए हैं। दीपांकर दत्ता साहब को जो दिया गया था भाई इन्होंने शपथ ग्रहण की है, वो इन्होंने भैया शपथ ग्रहण की है दीपांकर दत्ता साहब ने बॉम्बे हाईकोर्ट की, कहाँ की? बॉम्बे हाईकोर्ट की इन्होंने शपथ ग्रहण की है। अगला सवाल है, व्हेन वाज द इंटरनेशनल फायर डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली, कब मनाया गया था भाई? ये मई में मनाया गया था, तो आप लोगों को बताना है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस ये आपका कब मनाया गया? शेयर कीजिए सेशन को जितने लोग जुड़े हुए हो हमारे साथ, शेयर करोगे तभी आनंद आएगा भाई, है ना? तेजी से आप सभी लोग शेयर करोगे सेशन को। देखो भाई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस जो है आपका 4 मई को मनाया जाता है, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, इंटरनेशनल जो लेबर डे है वो 1 मई को, 2 मई को यार टूना डे मनाया जाता है टूना डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और 4 मई को इंटरनेशनल फायर डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। अगला सवाल है, विच प्राइम मिनिस्टर वॉज नोन एज फायर ब्रांड, फायर ब्रांड के नाम से कौन से प्रधानमंत्री को जानते हैं? देखिए ये BBC में कार्य कर चुके हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जो रहे जो BBC के हिंदी चैनल में काम कर चुके हैं, हिंदी पत्रकारिता BBC में कर चुके हैं, राजीव गांधी अभी तक के सबसे यूथ प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, इनको डिजिटल क्रांति का जनक भी कहा जाता है, और जो चुनाव में वोट देने की एज 21 साल से 18 साल की गई थी वो भी राजीव गांधी ने की थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह एकमात्र ऐसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ सबसे पहले विश्वास प्रस्ताव लाया गया, सबसे पहले तो BP सिंह के खिलाफ। चंद्रशेखर अगर पूछा जाएगा तो इनको फायर ब्रांड युवा तुर्क के नाम से जानते हैं, सीधे प्रधानमंत्री बने, ना कभी मुख्यमंत्री बने, ना कभी कोई मंत्री बने, सीधे प्रधानमंत्री बनते हैं भाई चंद्रशेखर साहब। अगला सवाल है, व्हाट इज द शेप ऑफ द फाउंडेशन ऑफ ताजमहल, ताजमहल का बच्चे जो शेप है वो किस तरीके का है? आंसर करोगे भाई ताजमहल का जो शेप है वो किस तरीके का है, प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखो बड़ा मस्त सवाल है और मस्त तरीके से तुम लोग आंसर कर सकते हो। ताजमहल हम लोग जानते हैं शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया, और इसका जो नींव का आकार है वो स्क्वायर फॉर्म में, इसमें स्क्वायर फॉर्म में, ट्रायंगुलर फॉर्म में इंडस वैली सिविलाइजेशन का आकार त्रिभुजाकार है, ये जरूर आप लोग याद रखोगे। ठीक है भाई, याद रहेगा। और ताजमहल पूरी तरीके से कब बन के कंप्लीट हुआ था? 1653 में बन करके कंप्लीट हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फाउंडर ऑफ जनता दल, जनता दल के भैया संस्थापक कौन थे? एक बार तेजी से आंसर करोगे भैया जनता दल के जो संस्थापक हैं वो बच्चे कौन थे? सही उत्तर क्या होगा इसका? देखो भाई बहुत बढ़िया सवाल है, द फाउंडर ऑफ द जनता दल वाज HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा का मतलब हरदन अली डोदेगौड़ा देवेगौड़ा, ये आपके हो गया भैया जनता दल के संस्थापक हो गया देवेगौड़ा, नहीं भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह,
ये ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि जब प्रधानमंत्री बने तो राज्यसभा के सदस्य थे, लोकसभा के नहीं। जनता दल के संस्थापक बीपी सिंह है, ठीक है, याद रहेंगे। ये बीबीसी सेवा में कार्य कर चुके हैं, इंद्र कुमार गुजराल। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? बीपी सिंह, एचई देवगौड़ा नहीं है भाई। द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिपब्लिक वॉज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? गणतंत्र की अवधारणा जो है वो किस देश से ली गई है? कनाडा, ब्रिटेन, यूएसए या फ्रांस? बोलिए भैया। देखो बच्चे, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और बढ़िया से आप लोग आंसर कर भी सकते हो। गणतंत्र की अवधारणा जो है भैया, ये फ्रांस से ली गई है, ठीक है, याद रहेगा। अमेरिका से प्रेसिडेंट का पद लिया गया, वाइस प्रेसिडेंट का पद लिया गया, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया, ठीक है, ये सब अमेरिका से लिया गया। भाई फंडामेंटल राइट भी अमेरिका से लिया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन द गेम विच इज कॉल्ड चेडुगुडू इन साउथ? चेडुगुडू के नाम से दक्षिण में जिस खेल को जानते हैं उसमें बच्चे कितने खिलाड़ी होते हैं? फटाफट आंसर करोगे भैया, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखो, चेडुगुडू के नाम से जिसको कहते हैं खेल को, सबसे पहले तो ये जान लो यार, कबड्डी को चेडुगुडी बोलते हैं, कबड्डी को चेडुगुडू बोला जाता है। और कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? सात होते हैं, याद रहेगा। सात और किसमें किसमें होते हैं? वाटर पोलो में, वाटर पोलो में सात होते हैं। और किसमें होते हैं सात? नेट बॉल में सात होते हैं भैया, नेट बॉल में भी सात होते हैं। नौ किसमें होते हैं? तो आप कहोगे यार खो खो में होते हैं। और किसमें होते हैं नौ? बेसबॉल में होते हैं। ये सब याद कर लेना भैया, बहुत पूछा जाता है। चार किसमें होते हैं? पोलो में होते हैं, इसीलिए पोलो को चौगान कहते हैं। छह किसमें होते हैं? वॉलीबॉल में होते हैं। और पांच किसमें होते हैं? तो बास्केटबॉल में होते हैं। अगला सवाल, मम्स इज अ वायरल डिजीज डेट कॉज्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ, यानी कि एक गलसुआ जो है विषाणु जनित रोग है जिससे किसमें स्वेलिंग आ जाती है? एक बार तेजी से आंसर कीजिए। फर्स्ट देखो भाई, गलसुआ यानी कि मम्स, हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, तीन जोड़ी, सबलिंगुअल, पेरोटिड, ठीक है, सबलिंगुअल होती है, पेरोटिड होती है, और एक कौन सी होती है भाई, बताओगे? जल्दी से बताओगे? मैक्सिबल होती है, तीन होती है। तो ये जो पेरोटिड ग्लैंड होती है इसमें स्वेलिंग आ जाती है तो हम लोग कहते हैं भैया गलसुआ हो गया, और ये वायरस है मम्स, इसके वायरस का नाम। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, और ये सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करती है सिवाय एक के, पैराथायराइड को। ये कंट्रोल बच्चे नहीं कर पाती है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। न्यू डिजिटल करेंसी DCEP लॉन्च्ड बाय, किसने भैया ये नई करेंसी लॉन्च की थी? एक बार तेजी से आंसर कर दोगे आपको? देखो बच्चे, जो DCEP मुद्रा लॉन्च की गई थी, ये बच्चे लॉन्च की गई है चाइना ने। किसने लॉन्च की है भैया? चाइना ने लॉन्च की है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। भूटान की करेंसी जानते हैं क्या? नगुल्ट्रम है, नगुल्ट्रम भूटान की करेंसी है। भूटान की संसद भी स्पेशल नाम है तसांगडू, ये भी भैया याद रखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हेन वाज इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस जो है ये आपका कब मनाया जाता है? एक बार तेजी से आंसर कीजिए। फर्स्ट देखो, ये बहुत बढ़िया सवाल है। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस ये मनाया जाता है आपका 12 मई को, ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, 15 मई को बड़ा इंपॉर्टेंट है, 15 मई जो है वो इंटरनेशनल फैमिली डे होता है। इन IPL व्हाट इज द मीनिंग ऑफ L? लिटिगेशन, जो IPL नहीं कहोगे PIL, इन PIL व्हाट
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल, पीआईएल में एल का अर्थ क्या है? एक आईपीएल होता है, एक पीआईएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग हम लोग जानते हैं भाई। पीआईएल का मतलब क्या हो गया, ये पीएन भगवती साहब का कॉन्सेप्ट है पीआईएल, और पीआईएल उन्होंने जो किया है वो बच्चे हो जाएगा लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहलाता है, जनहित याचिका हम लोग हिंदी में कहते हैं। अंडर विच अमेंडमेंट द स्टेट सिक्किम हैज अक्वायर्ड स्टेट रिकॉग्निशन, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के बाद एक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? फटाफट से आंसर कर दीजिए आपको, एक राज्य का दर्जा जो मिला है सिक्किम को कब मिला है, किस संविधान संशोधन के बाद दिया गया सिक्किम को एक राज्य का दर्जा जो दिया गया है वो बच्चे हम लोग जानते हैं कि 36वें संविधान संशोधन से, और 35वें से भारत में शामिल किया गया, लेकिन 36वें से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 42वां 1976 में हुआ है, जिससे समाजवादी पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द प्रीएम्बल में जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 44वां 1978 में हुआ है, जिससे राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया, संपत्ति के अधिकार को एक लीगल राइट बना करके 300A आर्टिकल में शामिल किया गया। When was the national anthem accepted by the Constituent Assembly? राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा कब बच्चे स्वीकार किया गया? बोलोगे भाई कब स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को? देखो भाई, राष्ट्रगान के मतलब हम लोग जानते हैं जनगणमन, जो कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में गाया गया था, बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे। इसको संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को अपनाया है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, और इस दिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग को बच्चे कौन नियुक्त करता है? हम लोग जानते हैं वित्त आयोग की बात अगर कभी भी की जाए तो आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है, और वित्त आयोग की जो नियुक्ति करता है वो होता है हमेशा राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। वर्तमान समय में 15वां चल रहा है, जो 2025 में समाप्त होगा, जिसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह, नंदकिशोर सिंह साहब। और पहले वित्त आयोग कब गठित हुआ था? 1951 में। और पहले का टेन्योर क्या था? 1952 से 1957 तक। और पहले के अध्यक्ष कौन थे? क्षितिज चंद्र नियोगी, यानी कि केसी नियोगी, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम भी था। तो ये आपको भैया एकदम क्लियर होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। When was the first session of the राज्यसभा? राज्यसभा का पहला जो सेशन है वो बच्चे कब हुआ था? 1950, 51, 52 या 55? क्या करेक्ट आंसर होगा भाई? देखो बच्चे, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर करोगे भाई, एक मिनट के लिए आया मैं। फटाफट आंसर कीजिए भाई इस प्रश्न का, क्या सही उत्तर होगा?
ये मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है आप लोगों को। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, कब स्थापना हुई, पहला टेन्योर कौन था, पहले अध्यक्ष कौन थे, कौन गठित करता है, कौन से आर्टिकल में, सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति गठित करता है। राज्यसभा का पहला सत्र बच्चे कब हुआ था, एक बार तेजी से आप लोग आंसर कर दोगे भाई, राज्यसभा का जो पहला सत्र है वो कब हुआ था, एक बार तेजी से आंसर कीजिए, जितने लोग जुड़े हुए हैं फटाफट आंसर करोगे भाई, राज्यसभा का पहला सत्र जो है वो बच्चे कब हुआ था, क्या सही आंसर होगा, तेजी से आंसर कीजिए भाई फटाफट से मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, 1952 इज द राइट आंसर। अब देखिए 1950 में क्या क्या हुआ है, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन बना, 1951 से 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए, और देखिए 1955 से SBI की स्थापना हुई थी 1955 में। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। विच लोकसभा स्पीकर हैज ऑथर्ड द बुक मातोश्री, किसने मातोश्री पुस्तक लिखी है लोकसभा स्पीकर ने, सोमनाथ चटर्जी, नीलम संजीव रेड्डी, सुमित्रा महाजन या मीरा कुमार, बोलोगे भाई करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। देखो भैया बेहतरीन सवाल है, लोकसभा स्पीकर जिसने मातोश्री पुस्तक लिखी वो है सुमित्रा महाजन, और ये लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर हैं। इंदौर से ये लगातार 8 बार MP रही हैं, यानी कि लोकसभा सदस्य रही हैं। मीरा कुमार ये पहली महिला लोकसभा स्पीकर हैं, मीरा कुमार, ठीक है, और ये बाबू जगजीमर नाम की सुपुत्री हैं। नीलम संजीव रेड्डी अभी तक के सबसे कम आयु के प्रेसिडेंट बने, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर से प्रेसिडेंट बनने वाले एकमात्र व्यक्ति भी नीलम संजीव रेड्डी होते हैं। Who was the first non-Congress Prime Minister? पहले गैर कांग्रेसी बच्चे प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे, एक बार तेजी से आंसर करोगे भैया, फर्स्ट, पहले गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, प्रश्न का सही उत्तर बच्चे क्या होगा। देखो यार बड़ा मस्त सवाल है, आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हो ऐसे प्रश्न को, कि पहले गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री थे वो बच्चे आपके मोरारजी देसाई थे, क्योंकि ये जनता पार्टी से थे, ये जनता पार्टी के थे। एक और विशेषता है इनकी, ये सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री भी थे, ये सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री भी थे, एक ये पॉइंट आपका क्लियर होता है। और इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान दोनों मिला हुआ है। PV नरसिम्हा राव साउथ इंडिया से बनने वाले पहले प्रधानमंत्री, सबसे कम कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी का। हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर्स हैव बीन मेड फ्रॉम राज्यसभा टिल नाउ, अब तक राज्यसभा से प्यारे विद्यार्थियों कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, ये आप सभी लोगों को बताना है। अब तक राज्यसभा से कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, एक बार तेजी से बता दीजिए, जितने लोग जुड़े हुए हो भाई, एक बार सेशन को यार शेयर तो करो। अभी हिंदी का क्लास होगा मैराथन 10 बजे 2.0 पर, कल का बचा हुआ पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 2.0 पर, कितने बजे से है, 10 बजे से। तो राज्यसभा से अब तक जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो बच्चे चार हैं, कौन कौन से, इदगम याद रखना है, इंदिरा गांधी, देवेगौड़ा, गुजराल और मनमोहन सिंह, गुजराल मतलब इंद्र कुमार गुजराल, ये आपके राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने, यानी कि जब प्रधानमंत्री बने तो राज्यसभा के मेंबर थे। ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री हैं नरसिम्हा राव, जब ये प्रधानमंत्री बने तो ना ही ये लोकसभा के सदस्य थे और ना ही ये राज्यसभा के, बाद में नांदेड़ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, ये भी आपको याद रखना है। व्हेन इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, सी वाज द लोकसभा मेंबर, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो बच्चे वो कहां से लोकसभा की सदस्य थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, फटाफट से आंसर करोगे भाई। देखो जब इंदिरा गांधी जी पहली बार प्रधानमंत्री बनती हैं तब वो लोकसभा की जो सदस्य थी तो वो आपकी लोकसभा की सदस्य नहीं होती हैं, तब वो राज्यसभा की सदस्य होती हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। इंदिरा गांधी पहली महिला भारत रत्न प्राप्त करता 1971 में। इंदिरा गांधी की अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आते हैं। इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने भारत रत्न सबसे पहले जीता
और दूसरा सवाल आपका एक और बनेगा कि पहली महिला प्रधानमंत्री, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग फास्ट, जल्दी से आंसर करोगे भैया। क्या आंसर होगा भाई, इसका क्या आंसर होना चाहिए बच्चे, फटाफट आंसर कीजिए भाई। देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और मानव हृदय का औसत वजन पूछा गया है। मानव हृदय का औसत वजन बच्चे कितना होता है, 300 ग्राम। अब देखिए कुछ विद्यार्थी 1400 ग्राम बता रहे हैं, 1400 ग्राम भैया ब्रेन का होता है, ह्यूमन ब्रेन का 1400 ग्राम होता है वजन, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा हाँ या ना, एक बार जल्दी से बताओगे यार कमेंट सेक्शन में। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त, 27 सितंबर, 2 अप्रैल या 23 दिसंबर। देखिए ऑटिज्म इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, दिस इज नॉट अ डिजीज, बच्चों में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जो डिसऑर्डर के रूप में जानी जाती है, और इसकी एक और विशेषता होती है ऑटिज्म की कि इसमें जो भी बच्चे होते हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उनमें नॉन वर्बल होते हैं ऐसे कुछ बच्चे, क्योंकि ऑटिज्म के नाम से जाना जाता है। और ये आपका 2 अप्रैल को एक अवेयरनेस डे के फॉर्म में मनाया जाता है, अवेयरनेस डे के फॉर्म में, ताकि लोग अवेयर हो जाएं। 7 अगस्त को आप दो दिवस मनाते हैं, सबसे पहले आंसर जान लीजिए, 7 अगस्त को दो, एक अभी 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा साहब ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया, और वो क्या किया, ओलंपिक में गोल्ड जिताया भारत को, तो इसीलिए नेशनल जैवलिन थ्रो डे भी मनाते हैं। और दूसरा, इससे पहले 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, 27 सितंबर को टूरिज्म डे, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह साहब का जन्मदिवस मनाते हैं, वो किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। मोनोसैकेराइड इज अ टाइप ऑफ, मोनोसैकेराइड एक प्रकार है एनर्जी का, प्रोटीन का, फैट का या कार्बोहाइड्रेट का, क्या सही आंसर हो जाएगा भाई। जितने लोग जुड़े हुए हो आप लोग 12 बजे भी जुड़िएगा, 12 बजे भी आप लोगों का क्लास है भाई यहीं पर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोनोसैकेराइड इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसका प्रकार है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए या सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिगेंटिज्म, गिगेंटिज्म के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, फटाफट आंसर कीजिए भाई गिगेंटिज्म के लिए। देखो बड़ा बढ़िया सा सवाल है, और बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे होंगे गिगेंटिज्म होता क्या है। आपने कभी देखा होगा कि कोई व्यक्ति बड़ा लंबा चौड़ा हो गया, लंबा चौड़ा के मतलब यार एकदम खली सा बन गया, कोई खली बन गया, और कोई व्यक्ति बड़ा बौना रह गया, समझ रहे हैं ना। इस जो खली को भी एक बीमारी है, इसमें हड्डियां बहुत लंबी चौड़ी हो जाती हैं और व्यक्ति भीमकाय हो जाता है। भीमकाय तो हिंदी में बोलते हैं, इसको एक्रोमिगली भी बोलते हैं। तो ये खली को बीमारी है भाई एक्रोमिगली, इसमें हड्डियां बहुत अनियंत्रित बढ़ जाती हैं, व्यक्ति बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है। ये हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, ये जब बहुत एक्सेस बहुत अधिक निकल जाएगा तो हो जाएगा भाई बहुत अनियंत्रित वृद्धि, और कम सीक्रेशन होगा तो बौना हो जाएगा, डार्फिज्म का शिकार हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है हमारी बॉडी में हार्मोन कैसे होने चाहिए, नियंत्रित अवस्था में, कंट्रोल्ड पोजीशन में होने चाहिए। और हार्मोन कभी भी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, जब नीड होती है तभी इनका सिक्रेशन हमारे ग्लैंड से होता है। पोलियो ड्रॉप्स इज इन्वेंटेड बाय, किसने इन्वेंट किया था, जोनास साल, अल्बर्ट सेविन, रॉबर्ट ब्राउन या नन ऑफ दीज, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए भाई। तेजी से आंसर करोगे भैया, क्या सही आंसर होगा इसका। देखो यार बहुत बढ़िया सा सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और बेहतरीन तरीके से इसका आंसर करोगे।
पोलियो ड्रॉप की जब भी हम लोग बात करते हैं तो पोलियो ड्रॉप का आविष्कार अल्बर्ट सेबिन ने किया है। पोलियो टीका वैक्सीन किसने बनाया, तो वैक्सीन भैया बनाया है जोनास साल्क ने। केंद्रक की खोज किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने की है। अगला सवाल है, ब्रास इज मेड ऑफ, पीतल किससे बनता है। तो देखिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, आप याद रखोगे दो का, एक तो कांसा याद रखो और दूसरा पीतल याद रखो, इन दो से सवाल जरूर आता है। पीतल हमेशा तांबे में जस्ता मिलाते हैं तो बनता है, यानी कि जिंक। तांबे में जब भी टिन मिलाएंगे तो हमेशा वो कांसा बनेगा, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग कहते हैं ना कि एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। विच स्टेट डिसाइडेड टू स्टार्ट द चीफ मिनिस्टर रोजगार गारंटी योजना फॉर अर्बन एरिया। फटाफट आंसर करोगे भैया, क्या आंसर होना चाहिए भैया इसका, सही तरीके से उत्तर कीजिए इसका। देखो भैया, शहरी इलाकों के लिए मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना जो शुरू की है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की। जयराम ठाकुर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कौन है चीफ मिनिस्टर भैया, जयराम ठाकुर साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल है, अबू माची ये मेला है कहाँ पर आयोजित होता है, क्या मेघालय में, बिल्कुल नहीं। मणिपुर में, बिल्कुल नहीं। असम में आयोजित होता है अबू माची मेला, ये आपको याद होना चाहिए। और वेस्ट बंगाल में हम लोग जब भी बात करते हैं तो एक बक्सा नेशनल पार्क है, ये आपका बहुत पूछा गया था। उसके बाद में कोरोना वॉरियर क्लब किसने बनाया था, तो ये भी वेस्ट बंगाल राज्य ने बनाया था। एकमात्र महिला सीएम है ममता बनर्जी, और किसी भी राज्य की महिला सीएम नहीं है वर्तमान में। इंटरनेशनल एनिमेशन डे ऑब्जर्व ऑन विच स्टेट, अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस जो है ये कितनी तारीख को मनाया जाता है। इंटरनेशनल एनिमेशन डे 1 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या 22 दिसंबर। देखो भाई बहुत बढ़िया सवाल, इंटरनेशनल एनिमेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 28 अक्टूबर। 1 अक्टूबर सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल कॉफी डे, इंटरनेशनल कॉफी डे 1 अक्टूबर को। दूसरा, इंटरनेशनल ओल्ड एज डे, ओल्ड एज डे मीन्स अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ये भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर मीन्स वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस, ठीक है याद रहेगा। अगला सवाल है, लुइस एयर्स इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, बोलिविया, जापान, चिली, सिंगापुर, क्या होगा भाई आंसर, फटाफट आंसर कीजिए आप सारे लोग। देखो लुइस एयर्स जो है आपके बोलिविया के हैं, और बोलिविया की राजधानी अगर कभी भी पूछा जाएगी तो हम लोग जानते हैं यार लापाज बोलिविया की राजधानी है। जापान की कैपिटल बच्चे टोक्यो है, ठीक है। चिली की कैपिटल सेंटियागो है। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की राष्ट्रपति का नाम जरूर याद रखना भाई, हलीमा याकूब। और सबसे एशिया में नगरीकृत देश भी आपका सिंगापुर माना जाता है। द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय, किसने भाई ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को लॉन्च किया है, उनका नाम क्या है, आंध्र, उसका स्टेट का नाम क्या है, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा या उत्तर प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर। देखो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लॉन्च्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर बाय जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर मनोज सिन्हा। ओके, उत्तर प्रदेश डिक्लेयर्ड ओन CISF मॉडल, उसने भी कहा है कि भाई हम भी अपना एक CIF के बेस पर एक केंद्रीय सुरक्षा बल बनाएंगे। उड़ीसा की बात करेंगे, भीतरकनिका अभयारण्य यहीं पर है, सिमलीपाल अभयारण्य यहीं पर है, सबसे अधिक कच्ची सड़कें उड़ीसा में हैं, याद रहेगा। और जो मोबाइल सैनिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था, चलायमान सैनिटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आया था हैंडवाश का, यानी कि जो मोबाइल हैंडवाश सुविधा थी वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी, मोबाइल हैंडवाश सैनिटाइजेशन दोनों। सुकुमार हंसदा रिसेंटली डाइड, हु वाज, ये कौन थे, पोएट, लीडर, एक्टर या प्लेयर। जितने लोग जुड़े हुए हो यार सेशन को एक बार लाइक करो, सारे लोग लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा हो, और सारे लोग बच्चे शेयर भी कर दिया करो, ठीक है, आंसर कीजिए इसका। सुकुमार हंसदा का हाल ही में निधन हो गया था, ये कौन थे, पोएट थे, लीडर थे, एक्टर थे या प्लेयर थे। सुकुमार हंसदा जो थे ये आपके लीडर थे, ये आपके लीडर थे, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए।
ठीक है, याद रहेगा? हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? सिंगापुर, इंडिया, जापान या रसिया? डीबीएस का हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं है कोई भी ऐसा बैंक, जापान में भी नहीं है, रसिया भी नहीं है। द करेक्ट आंसर विल बी सिंगापुर। रसिया के बारे में अगर कभी पूछा जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि इसका विघटन जो यूएसएसआर था पहले नाम 91 में हुआ था, यूएसएसआर का विघटन। उसके बाद में रसिया में पुतिन साहब 2036 तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, लिंगानुपात में भी सबसे नंबर वन पर है। धरनी पोर्टल लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, ये धरनी पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया और इसमें क्या खासियत है भैया, क्यों ये लॉन्च किया गया? हम लोग एक चीज जानते हैं, तहसील में जाते हैं या कचहरी में जाते हैं, देखते होंगे यार बड़ी भीड़ भाड़ रहती है, तो एक ऐसी सुविधा दी गई है, ऑनलाइन एक पोर्टल बना दिया गया भैया, तो आप अपने जमीन से संबंधित रेवेन्यू वगैरह का सारा के सारा जो ब्यौरा है वो आप यहीं पर देखो सब कुछ। तो ये धरणी पोर्टल तेलंगाना में कर दिया गया है। ठीक है, जैसे अब ई स्टैम्प चलने लगे हैं वैसे ही धीरे धीरे सारी चीजें डिजिटलाइज हो जाएंगी और किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एसबीआई का कॉन्सेप्ट देखो यार कितना बढ़िया है, यूनो ऐप अगर कभी आप यूज करते हो, बाकी सब बैंक के ऐप हैं, एफडी करना आप इसी से कर लो, हर एक बैंक में ऐप में भी, चाहे एक्सिस का हो, चाहे एसबीआई का हो, चाहे आईसीआईसीआई का हो, सभी में सुविधा दे दी गई। तो इस तरीके से एक अच्छाइयां भी हैं इसकी। महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान ये तेलंगाना में है। ठीक है भाई, अगला सवाल है, साद हरीरी ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? साद हरीरी, लेबनान, जापान, सिंगापुर या इंडोनेशिया? फटाफट आंसर कीजिए, साद हरीरी जो है ये किस देश के हैं? बोलोगे जितने लोग जुड़े हुए हो। साद हरीरी हम लोग जानते हैं लेबनान के पीएम है, लेबनान की राजधानी बेरूत है। क्या है भैया? लेबनान की राजधानी आप लोगों की बेरूत है। ठीक है, सुमंगल वेब पोर्टल, फटाफट आंसर करोगे यार, ये जो सुमंगल वेब पोर्टल है ये आपका किस राज्य ने शुरू किया है? सुमंगल वेब पोर्टल, फटाफट से आंसर कीजिए, सुमंगल वेब पोर्टल जो है ये आपका किस राज्य ने शुरू किया है? सही उत्तर क्या होगा भैया? फटाफट से आंसर कीजिए आप लोग, फास्ट, क्या सही आंसर होगा? देखो भैया बहुत बेहतरीन सवाल है, सुमंगल वेब पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो उड़ीसा के द्वारा। हु बिकम द बिगेस्ट बायर ऑफ इंडियन स्टील, जो भारतीय स्टील है उसका सबसे बड़ा खरीदार कौन सा बना है? उसका सबसे बड़ा जो खरीदार बना है भैया कौन सा बना है, एक बार तेजी से आंसर कर दीजिए आप। क्या आंसर होगा भाई? उसका सबसे बड़ा खरीदार कौन बनाया भाई? तो चाइना हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं बच्चे हम लोग, 11 बजे आप लोगों की हिंदी की क्लास भी, 10 बजे हिंदी की क्लास भी लगी हुई है 2.0 चैनल पर। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस सुविधा का लाभ जरूर लिया करो, अनअकैडमी लर्नर ऐप पर अपने फेवरेट एजुकेटर से बातचीत कीजिए रेज हैंड के माध्यम से। एसएससी कॉम्बैट में अगर इनरोलमेंट नहीं किया है तो भैया कर लोगे, और संडे को यानी कि कल के दिन बढ़िया से आप लोग यहाँ पर टेस्ट दीजिए, शानदार जानदार प्राइज जीतिए। और फ्री में इनरोलमेंट हो रहा है, ABSIR10 कोड लगा लेना, जहाँ पे इनवाइट कोड लिखा हुआ है ना यहाँ पर भैया ABSIR10 कोड लगाना है आपको। ठीक है, और हर एक प्रकार का सब्सक्रिप्शन, किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो बस ABSIR10 कोड लगा करके हर एक कोर्स का सब्सक्रिप्शन आप लोग कर सकते हो। और मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, GSGKY आलोक सर, यहाँ पर आप लोगों को PDF जरूर मिल जाएगी। ओके, तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक